गुड मॉर्निंग, मैं सीमा माथुर, क्लास 8th बेटा, एनसीईआरटी की सिविक्स की बुक है, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान, उसके क्वेश्चन आंसर हैं इस वीडियो में। तो कितनी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो क्यों पड़ती है बेटा ज़रूरत, क्योंकि यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की क्या कर सकते हैं, इच्छा सपनों को रच सकते हैं। वैसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के जो दुरुपयोग है उसको क्या है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे आक्रम लग ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ताकतवर है तो अपने से जो उसका दूसरा उससे कम ताकतवर है उस पर क्या करें, अन्याय करें या उस पर अपनी शक्तियाँ गलत दुरुपयोग करें। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दो दस्तावेजों के हिस्सों को लिखिए, और इसमें हमने क्या है 1990 में नेपाल का जो संविधान था उसमें कार्यपालिका, और जो 2017 में है इन दोनों में क्या डिफरेंस आया और क्या चेंजिंग हुई है और क्या बदलाव हुआ है। पहले भाग 7 थे, अब भाग 5 में है, ठीक है। जैसे कि अब इसका आंसर देख लेते हैं बेटा क्या आता है। देखो 1990 में बना नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, लेकिन 2007 में क्या हुआ था, नेपाल की कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद में निहित हो गई और वह नेपाल के कार्यकारी फैसले में प्रधानमंत्री के नाम पर ही लिए जाएंगे। यानी कि वही कहा जा सकता है नेपाल को एक क्या है संविधान की ज़रूरत है, ये भी कहा गया था, क्योंकि पिछले संविधान 1990 में भी आदर्श निहित नहीं थे, ये सब कहा गया था नेपाल की जनता ने नेपाल के लिए। अब आता निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। देखो देश के नेता क्या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और क्या करते हैं, अन्यायपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और समाज में क्या है बेटा हिंसा फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। नेताओं द्वारा लिए गए फैसले जनता पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं और जनता के हित में नहीं होते, यानी कि उनके लिए गलत होते और उन पर थोपे जाते तो उन्हें मानने पड़ते। फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, निर्वृत्त स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है उनके बारे में, जैसे क्या स्कूल में 30 शिक्षक और 20 पुरुष हैं उसके बारे में सारा बताया गया है। ये देखिए जैसे कि हम एक शहर में क्या है 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं तो उसका क्या है बेटा, ठीक है। इसका गह और गह पार्ट और करेंगे आगे। ये देखिए कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी, ये 50 विद्यार्थी कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं तो क्या है। सभी के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम के। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मुख्य है हम उनका महत्व बताना, जैसे संघवाद का शक्ति को बंटवारा मौलिक अधिकार थे उनकी डेफिनेशन यानी कि डिटेल करनी है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिएगा ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आंसर है। संघवाद क्या होता है बेटा, संघवाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे शासन व्यवस्था बनाए रखने में आसानी होती है, क्योंकि भारत क्या विभिन्नताओं का देश है और शक्तियों का बंटवारा होता है। आगे बेटा मौलिक अधिकार और संसदीय शासन पद्धति, मौलिक अधिकार आपको पता ही हमें दिए गए हैं, क्या क्यों है वो अनिवार्य है हमारे लिए और संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और संसदीय शासन पद्धति क्या है चुनने के अधिकार में जनता के पास होती है। ऐसे स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ये देखिए 6 नंबर। अब ये फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे सामने आएंगे। ये देखिए सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता की समझ, ठीक है, सोशल साइंस सिविक्स का ही है। इसके क्वेश्चन आंसर हमारे पास स्क्रीन पे सामने होंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट तक क्वेश्चन आंसर आपको क्या है बेटा मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आप क्वेश्चन आंसर को लास्ट तक देखिएगा, सेकंड चैप्टर के लास्ट तक आपको क्वेश्चन आंसर सभी मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं इस वीडियो में। हिंदी मीडियम है, सिविक्स की बुक हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाली, उसके क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर।